हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सॉफ्ट डायरेक्टर्स है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें आज मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ्स में सबसे बेसिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। मैथ्स नंबर्स का ही खेल होता है। इसमें केवल नंबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर होते हैं। वो कैसे कैसे नंबर्स होते हैं सारा आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन मैं करूंगा। मेरी जो भी वीडियोस होंगी वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होंगी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश इजिली समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ मैं हिंदी में लिखूंगा। आप लोगों को, दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो एकेडमिक हो, मतलब क्लास सिक्स से का स्टूडेंट हो, सेवेंथ का हो, एट्थ का हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, दोनों के लिए वीडियो कंफर्टेबल होंगे। मैथ्स में फर्स्ट टॉपिक, सबसे बेस्ट टॉपिक और सबसे छोटी टॉपिक है, सबसे मतलब ये जीरो से स्टार्ट, अगर आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो उसमें सबसे पहले आया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे नंबर होते हैं, वो सारा अभी आपके सामने में रखूंगा। मैथ में सबसे नंबर सिस्टम में एक से होता है संख्या रेखा। सबसे फर्स्ट आता है संख्या रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन होता है, एक ऐसा रेखा होता है जिसपे कि हम सभी मैथ्स के सारे नंबर्स को उसपे डिनोट करते हैं, लाइक दिस। ये हो गया। इसमें सबसे मिड में जीरो होता है, जीरो। इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली नंबर संख्या रेखा में सबसे ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि इसमें इस साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड में जब हम बढ़ेंगे तो ये निगेटिव लाइन होती है। इधर क्यों निगेटिव नंबर्स होते हैं? मिड में जीरो होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो जीरो है ना तो निगेटिव नंबर है और ना ही ये पॉजिटिव नंबर है। ये हो गया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे कैसे करते करते यहां पे लास्ट में इनफाइनाइट तक जाएगा। इस साइड में जब हम आते हैं जीरो से तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ऐसे करके इधर माइनस इनफाइनाइट तक हम लोग आते हैं। ये हो गया नंबर लाइन। और इसमें यहां से दिखेगा कि जीरो और वन, लेकिन जीरो और वन के बीच में बहुत नंबर होते हैं। इसमें अगर कोई पूछेगा कि जीरो और एक के बीच में, मतलब जीरो एंड वन के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि इस इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और जैसे इसका हाफ लेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, क्वार्टर लेंगे वन बाई फोर होगा, वन बाई टेन हो जाएगा, वन बाई हंड्रेड हो जाएगा। ये सारे जीरो और वन के बीच में आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके अगर हम जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर हमको मिलेंगे। ये नंबर लाइन हो गया। नंबर सिस्टम में अगर हम सबसे बेसिक अगर स्टार्ट करें, सबसे फर्स्ट अगर हम एक्सप्लेन करें, तो आएगा आपका नंबर वन में पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स इसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मतलब धन हो, पॉजिटिव नंबर्स मीन्स पॉजिटिव हो। अभी आपको हम नंबर लाइन में बताए थे कि जीरो से इस साइड के जो भी नंबर्स थे वो पॉजिटिव नंबर हैं। तो इसको इसका एग्जांपल हो गया वन, टू, थ्री, डॉट 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 इनफाइनाइट। इसके आगे वन के आगे पॉजिटिव लिखें तो भी ठीक है, न लिखा हो
तो भी वो पॉजिटिव में ही काउंट होता है। बात करते हैं अगर सेकेंड नंबर की, तो ये हो गया हमारा निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। अगर इसको हिंदी की बात की जाए तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। इसमें संख्या के आगे ऋण होता है, यानी कि उसके आगे माइनस की साइन लगी हुई होती है, इसको निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, डॉट इनफाइनाइट तक माइनस में। उसके बाद अगर फिर नंबर सिस्टम में और भी डिफरेंट टाइप के अगर हम नंबर पढ़े तो फिर थर्ड नंबर पे आएगा आपका इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इसके नाम से ही ये अपने आप को ये वेल डिफाइंड है। ये अगर हम इसको तोड़े तो इसका क्या होगा, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि इसमें जो भी नंबर आएंगे ये नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, लाइक माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री जीरो, ये जितने नंबर्स भी होंगे ये सारे पूर्णांक होंगे। इसका अगर एग्जांपल देख लिया जाए तो माइनस फाइव, माइनस टेन, ट्वेल्व, सिक्स, ये जो भी नंबर्स हैं ये इंटीजर्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वही नेचुरल नंबर आया तो इसका होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या मतलब कि गिनती की संख्या है। गिनती के जो भी नंबर हैं, जिससे भी हम गिनती करते हैं, जैसे कि हमारे पास पांच पेन है, दस बुक्स है, तो जो भी जिससे काउंटिंग होती है, काउंटिंग के नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइक वन टू फोर फाइव टेन, ये सब जो भी है ये हमारी नेचुरल नंबर होती है। बात करें फिफ्थ की, पांचवी टाइप के नंबर की, तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर। इसको होल नंबर में हिंदी में हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अगर हम एग्जांपल लें, देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। सबसे मेन और एकमात्र जो सिंगल डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स में आगे जीरो नहीं होता है, इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वो वन होता है, ये इसमें ध्यान देने वाली चीज होती है। लेकिन होल नंबर में इसके आगे ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री डॉट इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही केवल डिफरेंस है, नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर वन होता है, जबकि सबसे छोटा होल नंबर यानी कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो होता है। ये ध्यान देने वाली चीज होती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन फिर जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होगा धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या एक दो तीन चार जो भी है। फिर नेगेटिव नंबर्स मतलब कि ऋणात्मक संख्या है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस में जो भी होंगी नंबर्स उनको हम नेगेटिव नंबर्स बोलेंगे। बात है तीसरे नंबर पर इंटीजर का, पूर्णांक, नाम से ये क्लियर है कि पूर्ण प्लस अंक मतलब कि कंप्लीट नंबर्स हो। लाइक अगर हम बात करें इसमें कि 5.5 और 2/5, तो ये जो है ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये पूर्णांक नहीं होगा, सॉरी पूर्णांक ये नहीं होगा,
बाई फाइव पूर्णांक नहीं होगा, छह है ये एक इंटीजर होगा, ट्वेल्व इंटीजर होगा, माइनस टेन इंटीजर होगा, लेकिन ये माइनस 5.5 या 2 बाई फाइव ये इंटीजर नहीं होगा। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ये मतलब काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर स्टार्टिंग में इसमें जीरो ऐड कर दिया जाए, मतलब कि जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। फिर इसके अगर आगे हम फिर बात करें, ये तो पांच टाइप्स ऑफ नंबर हो गए, और भी होते हैं नंबर, सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन अगर मैं बात करूं तो छठे नंबर पे आएगा आपका इवन नंबर, इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या है जिस संख्या में इकाई के स्थान पे, मीन्स वंस के स्थान पे, वन के प्लेस, वंस के प्लेस पे जीरो, टू, फोर, सिक्स, टू, फोर, सिक्स, एट हो, या तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे कि वंस के प्लेस पे इसमें से कोई भी डिजिट हो, या फिर जो संख्या या जो भी नंबर दो से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको हम सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। फिर इसका अपोजिट होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब बात अगर इसकी हिंदी करें तो इसका होता है विषम संख्या, विषम संख्या। इवन को सम, ऑड को विषम, ये ध्यान देने वाली चीज है। विषम संख्या क्या होती है? तो ये वन से स्टार्ट होता है, वन मतलब कि जो दो से कट गया वो सम संख्या है, और जो संख्या दो से नहीं कटती है, नहीं डिवाइड होती है, दैट्स ऑड नंबर। ओके, वन, थ्री, फाइव, सेवन, थर्टीन, ये सारी नंबर्स जो भी हैं, ये इनफाइनाइट, ये सारी नंबर ऑड नंबर होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो आएगा आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। देखिए नाम से यहां पे क्लियर है, अभाज्य, भाज्य मतलब जो कट जाए, अभाज्य यानी कि न कटे। तो अभाज्य संख्याएं ऐसे नंबर्स होते हैं जो सेल्फ और वन से डिवाइड हो, जो केवल सेल्फ से या वन से डिवाइड हो। वन से तो सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, और कोई भी नंबर सेल्फ से भी डिवाइड होगा तो ऐसे हम, और इसके अलावा और किसी से ना डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, मीन्स अभाज्य संख्या है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा आपका जैसे सेवन है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, सेवन किससे हो गया, या तो सेवन से होगा या तो वन से होगा। आगे बात कर लें तो थर्टीन हो गया, फिर ट्वेंटी नाइन हो गया, ये जो भी नंबर्स हैं ये सब या तो सेवन से डिवाइड होंगी या फिर वन से डिवाइड होंगी। तो ऐसे नंबर्स को अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य नाम से यहाँ पे क्लियर है, अभाज्य मतलब जो किसी से भाज्य ना हो, किसी से विभाजित ना हो, किसी से डिवाइड ना हो, वो सारी नंबर्स होती है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अगर नौवे पे नाइन्थ नंबर पे आते हैं तो कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या, अभाज्य जो किसी से न कटे, भाज्य मतलब जो कट जाए। देखिए कोई भी नंबर होगा वो सेल्फ से तो कटेगा ही, साथ में वन से भी कटेगा, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर सिक्स, तो सिक्स क्या है, वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी होगा, थ्री से भी होगा और सिक्स से होगा।
कितने इसके फैक्टर हो गए, एक तो वन है ही और एक सेल्फ है, बाकी इसके अलावा भी और वो ये दो नंबर से और डिवाइड हो रहा है। तो जो भी नंबर्स हैं वो सेल्फ और वन के अलावा अगर किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, मतलब किसी मतलब जिसके दो से, एक तो ये फैक्टर होगा सेल्फ, दूसरा फैक्टर होगा वन, अगर उसका तीसरा भी कोई फैक्टर है तो यानी कि वो नंबर भारी संख्या है, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। है इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, इसका डिफिनेशन लिखे, तो द नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जो संख्या उसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसको हम भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहां पे फिर बात आएगी टेंथ, तो आपका आएगा यहां पे प्राइम को प्राइम। अब इसमें क्या है, को मीन्स श और प्राइम यहां से अभाज्य, स अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स में स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या में ये जो होता है सेट, देखिए इसमें दो कंडीशन होती है, इसमें कोई जैसे बाकी और नंबर्स जो भी होंगे उसमें एक सिंगल नंबर्स को हम लोग करके पूछ लेंगे, मान लेंगे आगे आपके पास एग्जांपल की फाइव कैसा नंबर है, सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है, फाइव, तो फाइव के लिए अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या है एक नंबर के लिए होगा, लेकिन को प्राइम में हमेशा कम से कम दो नंबर होते हैं, मिनिमम दो नंबर होता है, द सेट ऑफ टू नंबर्स, सेट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट कंडीशन ठीक। सेकेंड कंडीशन कि उन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है, वन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो नंबर्स स अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, मींस को प्राइम नंबर होते हैं। आपको एग्जांपल ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, आपको भी मैं एग्जांपल दे दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल की अगर हम बात की जाए तो आपके सामने आ जाएगा दो हो गया पांच हो गया, क्या है दो है पांच है, दो नंबर्स है, दो अगर इसका हम फैक्टर करें तो वन इंटू टू, इसका करें तो वन इंटू फाइव। अब देखिए क्या है, सेट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, देन क्या कर रहा है कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो, वन हो, कॉमन फैक्टर क्या है, इसका हम फैक्टर जब किए हैं तो कॉमन फैक्टर क्या मिला है, दोनों में वन है, तो यानी कि ये को प्राइम नंबर है। ये मान लीजिए कि एग्जांपल नंबर वन हो गया, एग्जांपल नंबर टू अगर हम लेके चले हैं तो मान लीजिए यहाँ पे थ्री हो गया और ट्वेल्व हो गया, तो थ्री का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, वन इंटू थ्री, ट्वेल्व का फैक्टर करेंगे वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, तो अब देखिए एक फैक्टर तो वन ही है, इसके अलावा तीन भी है कॉमन, यहां भी तीन है और सेकंड नंबर ट्वेल्व पे फैक्टर में तीन है, तो एक कॉमन मिल गया, यहां पे दो कॉमन मिल गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो तीन और बारह जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्या है दो और पांच है, क्योंकि दो का फैक्टर करेंगे वन इंटू टू, फाइव का किए वन इंटू फाइव, वन इंटू फाइव और टू इंटू वन, दोनों में वन वन है, फैक्टर एक है वो कॉमन फैक्टर वन आ रहा है, लेकिन तो ये स्वाभाव संख्या होगी, लेकिन तीन और बारह में वन इंटू थ्री एंड ट्वेल्व अगर हम फैक्टर करते हैं तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू, तो यहां पे वन भी एक कॉमन हो रहा है और एक फैक्टर कॉमन हो रहा है थ्री, तो यहां पे दो कॉमन फैक्टर हो जा रहे हैं। कॉमन फैक्टर की अगर हम बात की जाए करें यहां पे, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, वन हो गया और थ्री हो गया, यहां पे दो हो रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, दो नंबर्स होने चाहिए लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये को प्राइम नंबर, हाँ को प्राइम नंबर नहीं होगा।
उसके बाद से मतलब ये तो बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर हो गया। फिर नंबर सिस्टम में एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है और अक्सर मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया, मान लीजिए कि 1, 5, 7, 2, 3। अब इसको पूछ देगा ऑड है कि इवन है, या इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको जो भी मैं लास्ट में जो डिफिनेशन में बताया हूं, आप उसके आधार पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है। अब मान लीजिए आपको ये दे दिया क्वेश्चन कि 1, 5, 7, 2, 3। अब अगर इसमें पूछ दिया कि फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये चीज प्लेस एंड फेस वैल्यू, प्लेस को बोलते हैं हम अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो ये होता है स्थानीय मान, और फेस वैल्यू की हिंदी क्या होती है, जातीय मान। फेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान, फेस वैल्यू जातीय मान, फेस जातीय, प्लेस स्थानीय। पूछ रहे कि फाइंड द फेस प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम इसमें क्या पूछ दिया, सेवन को, इसमें सेवन के लिए पूछ दिया। तो अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, मतलब कि स्थानीय मान, नंबर क्या है, ये कौन से स्थान पे है, सेवन इस नंबर में किस स्थान पे है, ये किस प्लेस पे है, दैट्स प्लेस वैल्यू। तो अगर हम बात करें नंबर क्या है, 1, 5, 7, 2, 3, वंस, टेंस, हंड्रेड, किस प्लेस पे है, हंड्रेड के प्लेस पे है। हिंदी में अगर बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है, मतलब कि हंड्रेड के स्थान पे है, तो सेवन इंटू कितना, हंड्रेड के स्थान पे है तो हंड्रेड इक्वल टू 700। सिंपली अगर प्लेस वैल्यू आपको निकालनी हो तो एक लिख करके जिसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो आप लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया प्लेस वैल्यू। बट अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, जातीय मान, जातीय मान अगर हमको निकालना हो तो फेस वैल्यू का मतलब वो होता है, जैसे कि कोई भी नंबर है, चार है, वो कहीं भी रहे वो उसका वैल्यू हमेशा चार होता है। चार कभी भी 5, 6, 7, 8, 10 नहीं हो सकता है, चार अगर है तो कहीं भी चार ही रहेगा, चाहे कहीं भी रहे उसका वैल्यू जो होगा, उसको जो फेस होगा, जो उसका मतलब मेन एक्यूरेट उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा चार ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए सेवन पूछा, इसमें क्या देगा कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ सेवन, नंबर ये है 1, 5, 7, 2, 3, नंबर क्या है 1, 5, 7, 2, 3। अगर इसमें क्या पूछा है, जातीय मान सात का, फेस वैल्यू ऑफ सेवन, सेवन का पूछा है, तो फेस वैल्यू हमेशा जो डिजिट का पूछेगा, जिस नंबर का पूछेगा वो वही रहेगा। सात के लिए पूछा है तो उसका जातीय मान सात रहेगा, उसका फेस वैल्यू हमेशा सात रहेगा। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो देख लीजिए।